मैं विशिंग वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मे गॉड ब्लेस यू और ज़िंदगी भर आपका जो स्वैग है वो हमेशा बरकरार रहे आप इसी तरह से तरक्की करते रहें और मैं मतलब मुझे उनका स्वैग बहुत पसंद है तो ये स्वैग वाला बर्थडे होना चाहिए उनका हमेशा की तरह और मैंने जो उनके वीडियोस वगैरह आज देखे हैं जिस तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आई थिंक वो बहुत ही अच्छी खुशी की बात है शायद एक दिन साथ में मिलके हम सेलिब्रेट करें उनका बर्थडे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आई थिंक मुझे लगता है कोई भी इंसान जब तक बुढ़ा नहीं हो सकता जब तक वो मान ना ले कि मैं बुढ़ा हो गया हूं। आप भले ही आप पे बुढ़ापा आ जाए आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ जाएँ रिंकल्स आ जाएँ आपकी बॉडी थोड़ी सी आगे की तरफ झुकाव हो जाए लेकिन आपका दिल हमेशा यंग रहना चाहिए और अगर दिल ये आपका यंग रहता है ना तो ऑटोमेटिकली आप पूरे जवान दिखने लगते हो फिटनेस फ्रीक हैं अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं वो वर्कआउट बहुत अच्छा करते हैं और जब आपने मान ही लिया है कि मैं जवान हूँ तो आपको बुढ़ापा नहीं हरा सकता आप यकीन मानिए शाहरुख खान ने का हैं वो भी 57, 58 के हैं सलमान खान हैं वो भी 57, 58 के हो जाएंगे तो ये लोग अपना बहुत ख्याल रखते हैं आई थिंक हम सबको रखना चाहिए बहुत अच्छा खाना खाते हैं वो खाना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग में एक बात सोचनी चाहिए कि मैं जवान हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि इंसान की कैपेसिटी इतनी बनाई गई है कि वो कुछ भी कर सकता है हम चाँद पे चले गए हमने कितना डेवलपमेंट किया है हमने फाइटर्स बनाए हैं हमने रॉकेट बनाया हमने क्या क्या नहीं किया है तो एज डजेंट मैटर है यार मतलब आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो बस आपको ये सोचना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ जब आपके माइंड में ये सब सेट हो जाएगा तो आप हमेशा जवान दिखोगे नहीं मुझे ऐसा ऑफ़र तो नहीं अभी नहीं मतलब आई थिंक दो तीन साल पहले आया था और शायद अब मैं जीडी राउंड क्लियर नहीं कर पाया था तो जो होता है और पता नहीं यार मुझे आने वाले कल का कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे कोई आइडिया नहीं है लेकिन देखते हैं शायद अगर लोगों की चाहत होगी तो और नहीं होगी तो पता नहीं मतलब अभी तक कोई ऐसा ख्याल आया नहीं है मन में आई थिंक सलमान जी uh, जो हैं वो बहुत ही बेस्ट होस्ट हैं और उनके होते हुए एक uh, एक माहौल ऐसा रहता है कि uh, कुछ सोच के थोड़ा लगता है कि यार जैसे प्रिंसिपल होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट और मुझे लगता है कभी भी ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट uh, रहना चाहिए क्योंकि उनकी इमेज भी है थोड़ी वैसी सी तो ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन उनको होना चाहिए हमेशा